हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स वंडर। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन एंड आज के जो सेट है उसमें हम लोग देखने वाले हैं एक सिटिंग अरेंजमेंट लीनियर बेस्ड और एक देखेंगे हम लोग न्यूमेरिक सीरीज। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मिसलेनियस करवाऊंगी, हर सेट में मैं एक एक क्वेश्चन मिसलेनियस का ज़रूर डिस्कस करूंगी। तो आज ही मैं यहाँ पर 5 से 6 मिसलेनियस डिस्कस करूंगी। वर्ड वाले जो होते हैं, रीअरेंजमेंट होता है, रैंकिंग एंड ऑर्डर है, तो उसके जो मिसलेनियस होते हैं वन लीनियर उनको डिस्कस करूंगी। प्लस एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्लॉक्स के भी करेंगे फॉर रिविजन पर्पज़। ठीक है, पूरा पूरा सेट नहीं है, रिविजन पर्पज़ से एक क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, जिससे आपका जो है बाकी के जो आपके कुछ दिन बचे हैं उसमें सब रिवाइज हो जाएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड आज के जो क्वेश्चन है ये मैंने स्मार्ट कीड़ा की साइट से लिए हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसका प्लेटफॉर्म का नेम है टेस्ट जोन। ओके, एंड नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, जहाँ से जाकर आप लोग जो टेस्ट है उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, फ्री मॉक दे सकते हैं और खुद को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी में है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, तो इसका प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। एंड आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो मैं मूव करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहे हैं एट फ्रेंड्स, रक्षक, बिंदल, आदित्य, साई, अर्जुन, विहान, रियांश एंड अरव आर सिटिंग इन अ रो बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो सारे ही पर्सन जो है वो कैसा फेस कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं। टू पर्सन सिट बिटवीन साई एंड विहान, इधर साई और विहान सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बिंदाल हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ठीक, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपका दो पर्सन जो है वो बीच में आएंगे साई एंड विहान के, जिसमें साई और विहान में से कोई एक पर्सन जो है वो विंदाल के कैसा होगा, इमीडिएट राइट में होगा, और विंदाल जो है वो कैसे बैठा है, एक्सट्रीम एंड पर बैठा है। ठीक, तो जितने भी आपके रिलेटेड पॉइंट होते हैं बेहतर है कि आप उनको पढ़ लें और फिर आप बाकी इसको बनाएं। ठीक, क्लर्क में जो प्रिलिम्स होता है उसमें यही जरूरी होता है, इनफैक्ट प्रिलिम्स किसी का भी हो सब में यही जरूरी होता है, क्योंकि छोटे से क्वेश्चंस होते हैं सब में पॉइंट कनेक्ट होते हुए मिल जाते हैं। राइट, तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा बिंदाल कौन से एंड पर आएगा, ऑब्वियसली जब वो नॉर्थ की तरफ सारे ही पर्सन फेस कर रहे हैं तो ये एक्सट्रीम राइट एंड पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि राइट एंड पर आ जाएगा तो इसके इमीडिएट राइट में पर्सन कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं ना। तो यानी कि विंदाल जो है वो कैसे आएगा, आपका लेफ्ट एंड पर आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट, और एक कंडीशन हम और बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन क्यों है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक पर्सन जो है इसकी इमीडिएट राइट में जाएगा, तो एक में आप साई लिख दो, दूसरे में आप विहान लिख दो। ओके, और एक का गैप करके यहाँ विहान आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक पर्सन है ना, सॉरी टू है, यहाँ पर विहान आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साई। ठीक है, आगे कह रहे हैं फोर पर्सन सिट बिटवीन विंदाल एंड अर्जुन, चार पर्सन जो है वो बीच में आएंगे विंदाल एंड अर्जुन के। सो 1 2 3 4 का गैप करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, अर्जुन, एंड यहाँ पर भी आ जाएगा अर्जुन। ओके, फिर इसके बाद कह रहे हैं आदित्य सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अर्जुन बट आदित्य इज नॉट नेबर ऑफ विहान। तो आदित्य जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है अर्जुन के। सो 1 2 3 आदित्य यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में भी आदित्य यहाँ पर आ जाएगा, बिकॉज ही इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अर्जुन। एंड आगे कह रहे हैं बट आदित्य इज नॉट नेबर ऑफ वेहान, बट आदित्य इज नॉट नेबर ऑफ वेहान, देन ये कंडीशन आपकी कट हो जाएगी, आंसर इसमें आएगा। ओके, फिर रियांश एंड अरव आर नेबर्स बट नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन रक्षक एंड अरव इज मोर देन टू। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रियांश एंड अरव जो है वो एक दूसरे के नेबर हैं। ठीक, तो आपके जो रियांश एंड अरव जो है वे एक दूसरे के नेबर हैं, उसी के संग इन्होंने ये भी कहा है, लेकिन जो रक्षक और अरव है इसके बीच में 2 से ज्यादा का गैप है। अब देखो जब रियांश और अरव जो है वो साथ साथ आएंगे तो वो दोनों इस जगह पर आएंगे। ठीक, तो बाकी जो रक्षक बचा है वो कहाँ पर आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है कि इन दोनों को इस तरीके से बैठालना है कि रक्षक
एंड आरव, इनके बीच में 2 से ज्यादा पर्सन का गैप हो, तो अगर मैं आरव को यहाँ पर बैठाती हूँ तो इनके बीच में कितने का गैप हो जाएगा? 2 का रहेगा, जबकि हमको गैप चाहिए मोर देन 2। इसका मतलब आरव जो है वो यहाँ पर आएगा एंड जो रेयांश है वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये होगा इसका करेक्ट सॉल्यूशन। छोटा सा ही क्वेश्चन था। आगे है, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ विहान एंड रियांश? तो विहान एंड रियांश, इन दोनों के इमीडिएट नेबर कौन है? दोनों का इमीडिएट नेबर कौन है? तो ऑब्वियसली इनके बीच वाला होगा, तो अर्जुन, फोर्थ। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अर्जुन विद रिस्पेक्ट टू विहान? तो पोजीशन क्या है अर्जुन की विद रिस्पेक्ट टू विहान? तो क्या है ये? इसके इमीडिएट राइट में है, ऑप्शन नंबर 3। फिर हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन साई एंड रियांश? साई एंड रियांश के बीच में कितने पर्सन है? 4 पर्सन है, सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। देन सिटिंग राइट एंड, तो आरव है, 2। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आदित्य? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ओके ठीक, न्यूमेरिक सीरीज पर आ जाते हैं। फर्स्ट है, इफ वन इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट द सेकेंड हाइएस्ट नंबर सो फॉर्म्ड? ठीक, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपका जो वन है वो सारे ही जितने भी आपके नंबर्स हैं उन सभी में फर्स्ट को ऐड कर, फर्स्ट डिजिट में आपका वन ऐड कर दिया जाए, और जो आपका पीछे वाला नंबर है यानी कि सबसे लास्ट नंबर है उनमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो आप ये बताइए कि इसमें आपका जो सेकेंड हाइएस्ट नंबर है वो कौन सा बनेगा? ठीक, यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट नंबर 729 बनेगा। ऐसे ही आप आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, क्यों? देखो, अगर आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है कि आपको सब में एक ही ऑपरेशन करना है, कि आपको सभी की जो फर्स्ट डिजिट है उनमें से आपको एक को माइनस करना है, सभी की जो लास्ट डिजिट है उसमें एक को प्लस करना है, या कुछ भी हो प्लस माइनस, लेकिन सिमिलर ऑपरेशन सब में करना हो, तो आप बिना करे ऐसी ही जो आपका रफ है उसी पर आंसर दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि कहीं वो ये कहें कि इवन नंबर में आपको 1 प्लस करना है, ऑड में 1 माइनस करना है, तब आप नहीं कर सकते, तब आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने इस तरीके का कहा है कि सब में एक चीज कॉमन बोल दी है कि आपको 1 में सबको ऐड करना है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल ले लूँ, मान लो यहाँ पे 7 लिखा है, 6 लिखा है, 5 है, 4 है या 3 है, ठीक, अब इन्होंने ये कहा है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और ले लेती हूँ इस तरीके से, ठीक, और थोड़ा पास के नंबर कर लेते हैं, ये दूर दूर के हो गए ना बहुत, आसपास के नंबर कर लेते हैं, इसको 72 कर लो, इसको 74 कर लो, ठीक है, और ठीक है इसको 76 कर लो, इसको 71 कर लो, है ना, और इसको 78 कर लो, राइट। अब मैंने ये कहा कि सब में फर्स्ट को आपको ऐड करना है, ठीक है, और लास्ट में 1 को माइनस करना है, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 0, ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, 5, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 7, और फर्स्ट में सबको एक ऐड करना है, तो सब क्या बन जाएंगे, 8, ठीक। अब आप देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, 76, ठीक है, ऑपरेशन के बाद सबसे बड़ा कौन सा होगा, 85, सॉरी आई एम सॉरी, सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, 78, एंड ऑपरेशन के बाद सबसे बड़ा कौन सा होगा, 87, सॉरी मैं 78, मैंने बाद में इसको 0 से 8 कर दिया था ना, तो मेरा ध्यान नहीं रहा, तो 78 आपका सबसे बड़ा नंबर होगा, और ऑपरेशन के बाद भी जो चेंज हुआ है 87 बनकर आया है उसमें भी सबसे बड़ा नंबर यही होगा। ऑपरेशन से पहले इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा था, 71, एंड ऑपरेशन के बाद भी सबसे छोटा कौन सा है, 80 है ना, तो अगर आप को कोई भी सिमिलर ऑपरेशन कराया जा रहा है तो आप लोग उसको चेंज करे बिना ऐसे ही मार्क कर सकते हो। ठीक, तो 729 आंसर होगा, चाहे तो आप इसको करके भी देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी प्लेस एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द सीरीज इफ द नंबर्स टू बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सम ऑफ देयर डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? इन्होंने ये कहा है कि यहां पर कौन सा नंबर जो है वो एग्जैक्टली बीच में आएगा, कब, जब इफ द नंबर्स, ठीक है, जो आपके नंबर्स हैं उनको रीअरेंज करा जाए इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सम ऑफ देयर डिजिट्स, यानी पहले उनकी जो डिजिट्स हैं उनको सम करना है, उसके बाद इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर देखो इसको ऐड करो, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 4 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19, ठीक है, तो ये हो जाएगा 19, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 6 7 8 8 के बाद तो 3 कितना हो जाएगा, 11, ठीक। देन इसके अलावा आगे कह रहे हैं, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 10 5 15, ओके, फिर इसमें कितना हो जाएगा, 7 2 और 9 कितना हो जाएगा, ये 18, 6 और 3 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, ये 17, ठीक। अब इसको आप क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, असेंडिंग ऑर्डर में कैसा हो जाएगा, 11 15 17 18 और 19, तो बीच में क्या आ रहा है, 17, यानी कि 836, ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट आंसर होगा। तो अब ये जो चीज होती है ना, इनमें ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक। हाउ मेनी इवन डिजिट्स कम बिटवीन सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर फ्रॉम राइट एंड?
हाउ मेनी इवन नंबर, ठीक है, इवन डिजिट्स, कितनी ऐसी डिजिट्स हैं जो कि बीच में आ रही हैं, ठीक है, सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर. थर्ड नंबर कौन सा है? 1, 2, 3. इसका सेकेंड डिजिट है 7. फ्रॉम लेफ्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर फ्रॉम राइट एंड. यहाँ से आपका जो सेकेंड नंबर है ये, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 9. ठीक, अब इनके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? तो खाली एक ही आ रहा है, 8. तो यानी कि आंसर क्या होगा? 1. ठीक. अच्छा, ये इसमें कंफ्यूज मत हो ना, इसमें ऐसा ये नहीं पूछा गया था कि 7 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, तो इनके बीच में 3, 7, 2 ये कितना आ रहा है, ऐसा नहीं. देखो, इन्होंने साफ साफ लिखा है इन द नेचुरल नंबर सीरीज, जो आपकी नेचुरल नंबर सीरीज होती है उसके अकॉर्डिंग, नॉट ये वाली सीरीज के अकॉर्डिंग. ठीक, तो ऐसा ही आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में भी होता है, तो उसमें भी गड़बड़ मत कर देना, है ना. इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द डिजिट्स दैट आर फुली डिविजिबल बाय 3, देन हाउ मेनी नंबर्स फॉर्म सो विल बी फुली डिविजिबल बाय 3. ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए सारी डिजिट्स में से जो कि 3 से डिविजिबल हो, तो ऐसे कितने नंबर बचेंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे. देखो, आपको 3 से 3 को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ही देख लो कि 3 से कौन से डिविजिबल है, वही करेक्ट आंसर होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 18 यहाँ पे लूँ, ठीक, अब इन्होंने कहा है कि 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट करो उन डिजिट्स में से जो कि 3 से डिविजिबल हो, है ना. तो अब ये 3, 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है, और 15 भी 3 से डिविजिबल है. ठीक है, अगर मैं इसमें से 3 3 माइनस कर दूंगी तो कितना हो जाएगा? ये 15, ये 18, ये 12. अगेन ये 3 से डिविजिबल है. अगर आप इसमें 3 फिर माइनस कर दो, 9, 15 और 12, फिर भी ये 3 से डिविजिबल रहेंगी. फिर आप इसमें 3 माइनस कर दोगे तब भी ये आपकी क्या रहेंगी? 3 से डिविजिबल रहेंगी. तो आप माइनस करो चाहे ना करो, अगर आप इसमें 3 ऐड भी कर देते हो, मान लो 15 का 18 कर दो, 21 का 24 कर दो, 18 का 21 कर दो, तब भी ये 3 से डिविजिबल रहेंगी. ठीक है, तो बेसिकली आपको 3 सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप देख लो 3 से कौन से डिविजिबल है, वही करेक्ट आंसर होगा. ठीक, तो 6 4 10 9 19, 19 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये तो नहीं होगा. 3 2 5 6 11, ये भी नहीं होगा. फिर 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 8 8 और 7 15, ये डिविजिबल है. ठीक, उसके अलावा 7 2 9, ये भी डिविजिबल है. टोटल इसका कितना होता है? 18, है ना. 8 3 6 6 और 9 9 8 8 16 और 1 17, है ना, ये भी डिविजिबल नहीं है. तो बेसिकली 2 डिविजिबल है, इसमें 3 माइनस करो चाहे प्लस करो, ये डिविजिबल रहेंगे. तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा. फिर गिवन है इफ ऑल द डिजिट्स आर रीअरेंज एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट है ये, ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंसिस्ट ऑफ नंबर विच प्रेजेंट द हाइएस्ट नंबर एंड द सेकेंड लोएस्ट नंबर. तो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो क्या हो जाएगा? 9 6 4 6 3 2 7 5 3 9 2 7 सॉरी 9 7 2 8 6 और 3. ठीक, तो आपका इसमें जो हाइएस्ट है वो कौन सा है? हाइएस्ट है 9 7 2, ठीक है, ये वाला. और लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट है आपका 6 3 2. ठीक, तो इसका ओरिजिनल नंबर क्या है? 729236. तो क्या होगा? 729236, है ना. अच्छा सॉरी, यहाँ पे सेकेंड लोएस्ट नंबर बोला है ना, सेकेंड लोएस्ट नंबर इज 753, आई एम सॉरी. तो यहाँ पर होगा 573, राइट. तो 729573 आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3. आई एम सॉरी, इट्स सेकेंड लोएस्ट नंबर, आई एम रियली वेरी सॉरी. ओके, मिसलेनियस पर आ जाते हैं. कबीर सिंह रैंक 7th फ्रॉम दी टॉप. तो कबीर सिंह जो है वो 7th है फ्रॉम द टॉप. ठीक, तो यहाँ पे लिख लो कबीर 7th है टॉप से, बेसिकली उसके ऊपर 6 पर्सन और होंगे. एंड 37th फ्रॉम द बॉटम अमंग बॉयज. ठीक, और बॉयज में 27th है नीचे से. ठीक, 27th है ये बॉटम से, यानी कि इसके नीचे क्या होंगे? 26 बॉयज होंगे. ठीक, इसके नीचे 26 बॉयज होंगे, इसके ऊपर 6 बॉयज होंगे, राइट. देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास इफ देयर वर 24 गर्ल्स एज वेल. तो यहाँ पर ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में अगर यहाँ पर 24 गर्ल्स भी हैं. ठीक, तो बेसिकली इसके ऊपर 6 बॉयज हैं, इसके नीचे 26 बॉयज हैं और एक ये हो गया, तो कितना हो गया? 6 6 12 और 1 13, और ये कितना हो जाएगा आपका? 33. ठीक, 6 6 12, और ये कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, और बाकी एक हो गया कबीर, तो कितना हो गया यहाँ पे? 33. एंड 33 में आप बाकी गर्ल्स को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? सॉरी, 6 ऊपर हो गया, 7 ही हो गया, 26 ही हो गया. 6 और 6 12, 2 और 1 3, ये कितना हो गया? 33. और 33 में 24 गर्ल्स हैं, तो 57 आंसर आएगा यहाँ पे. 7 है ये कबीर सिंह रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, नॉट 17, है ना, इट्स 7th. तो ठीक है, ये 27th फ्रॉम द बॉटम है. ठीक है, तो 57 आंसर होगा, नन ऑफ दीज होगा यहाँ पे आंसर. ओके,
If the letters in the word brotherhood rearrange as they appear in the English alphabet, then the position of how many letters will remain unchanged after the arrangement? इसमें ये कह रहे हैं, if the letters in the brotherhood, अगर ये आपका जो brotherhood letter है इसको rearrange करा जाए as they appear in English alphabetical position, ठीक है, तो पहले क्या आएगा, लिख लो इसको, बी आर ओ टी एच ई आर एच डबल ओ डी, ठीक है, तो ए तो है नहीं तो बी आ जाएगा। अच्छा, लेफ्ट टू राइट कह रहे हैं, राइट टू लेफ्ट कह रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। कुछ नहीं कहा है इन्होंने, यानी कि फिर आपका राइट लेफ्ट टू राइट होगा, ठीक, कुछ नहीं कहा है तो लेफ्ट टू राइट है ना, तो बी आ जाएगा, सी तो है नहीं, फिर डी आ जाएगा, डी के बाद ई आ जाएगा, ई के बाद एफ है नहीं, एफ के बाद क्या आएगा, जी एच, एच आ जाएगा, फिर एन ओ, ओ आ जाएंगे, पी क्यू दोनों आर आ जाएंगे, टी आ जाएंगे, ठीक। लेटर टू लेटर लिखा करो, मतलब लेटर के नीचे लेटर लिखा करो, तो आपको पता चल जाएगा अगर कोई छूटेगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं अनचेंज किस किस की पोजीशन है, तो एक तो बी की पोजीशन अनचेंज है यहाँ पे, है ना, एक एच की पोजीशन अनचेंज है, बाकी तो किसी की पोजीशन अनचेंज नहीं है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, टू। हाउ मेनी पेयर इन आर देयर इन करेज विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड और बोथ एज दे हैव बिटवीन देम इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, ठीक, तो सी ओ यू आर ए जी एंड ई, सो सी के बाद क्या है, डी ई एफ जी एच आई, नहीं है सी से रिलेटेड आपका पेयर, फिर ओ के बाद एम एन ओ, पी क्यू आर एस टी, नहीं है, यू के बाद यू वी डब्ल्यू, नहीं है, तो इधर चलते हैं वी डब्ल्यू एक्स वाई, इस साइड में भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे है आर के बाद एस टी यू, नहीं है ना, इस इधर चलो आर एस टी यू, इस साइड में भी नहीं है, ठीक। ए से देख लेते हैं, तो ए बी सी डी ई, नहीं है, इधर देखो बी सी, नहीं है, है ना, जी से देखते हैं तो जी एच आई जे के एल, नहीं है इधर भी एंड इस साइड में भी नहीं है। ई से देखते हैं तो ई एफ जी एच आई जे के, इसमें भी नहीं है, बेसिकली ये क्या आंसर होगा, वन, निल। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एल यू जे ए के ए एच यू मीन्स विल यू मीट अस एंड एल यू के ए एच यू पी ए मीन्स विल यू ग्रीट अस, देन वॉट इज द कोड ऑफ मीट इन दिस कोड लैंग्वेज। ओके, सो मीट आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो या तो मीट मिल जाए दूसरे सेंटेंस में या फिर विल यू अस मिल जाए, तो विल है, यू है, अस है, यानी कि जो बचेगा वो मीट का आपका कोड होगा, ठीक। तो एल यू मैच हो रहा है तो ये तो नहीं होगा, के ए मैच हो रहा है ये भी नहीं होगा, जे ए मैच नहीं हो रहा है, एच यू मैच हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा यहाँ पे, जे ए, ऑप्शन नंबर वन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंबाइन इज दिस, हाउ विल टू वर्ड्स बी रिटन इन द कोड लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि आना बंद हो गए हैं, ये क्वेश्चन आई थिंक पीओ में आया था, ठीक है, पीओ में था या एलआईसी में था मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली, तो यहाँ पर इसको लिख लो। और बहुत छोटा सा लॉजिक, मतलब लो लेवल का लॉजिक होता है ये, प्री में आते हैं, ऐसा कोई खास लॉजिक नहीं होता है इनका। सी के, सी से एक्स कैसे बन सकता है, सीधा सीधा है, रिवर्स है, देखो सी का एक्स, ओ का एल, एम का एन, बी का वाई, आई का आर, एन का एम, ई का वी, ठीक। इसकी मैंने ट्रिक भी बता रखी है याद करने की, क्रैक्स, और ओ एल और ई वी की तो सीधे एल ओ वी ई लव है ना, एल की ओ और वी की ई है ना, एम का तो एन पता ही रहता है, एम ए एन मैन, बी ओ वाई बॉय, इंडियन रेलवे, एन का तो एम है, ठीक है, ई भी मैंने बता दिया, तो मैंने ट्रिक्स बता भी रखी है, तो ऐसे ही टू वर्ड्स की देख लो, तो टू वर्ड्स, ठीक है। टी का क्या होता है, टी का बताया था मैंने गॉट, तो जी होता है, ओ का क्या होता है, ओ का एल होता है, डब्ल्यू का क्या होता है, डब्ल्यू का मैंने बताया था, क्या कोड बताया था मैंने, डब्ल्यू का कोड था ड्यू, यस, ठीक है, तो ड्यू था तो डी आ जाएगा, ए का तो जेड होता है, इंडियन रेलवे, ठीक है, डी यू का डब्ल्यू, और एस का मैंने बताया था एक मूवी आई थी हिस, ठीक, तो इसका क्या होगा, हैस सबसे लास्ट में, एच सबसे पहले, ओके, तो ये क्या है, जी एल डी जेड आई डब्ल्यू एच, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी टू, ओके, एक स्लॉक्स को देख लेते हैं। ओनली पैंट आर फ्रॉक, सो ओनली पैंट आर फ्रॉक्स, यानी कि अब जो फ्रॉक है उनका जो आपका यहाँ पे रिलेशन है वो किसी अदर के साथ नहीं बनेगा, ठीक। 100% शॉर्ट्स आर फ्रॉक, सो 100% शॉर्ट्स आर फ्रॉक, यानी कि सारे जो शॉर्ट्स हैं वो क्या है, फ्रॉक होंगे। ओके, सारे जो शॉर्ट्स हैं वो पैंट होंगे, सारे जो शॉर्ट्स हैं वो फ्रॉक होंगे, तो शॉर्ट इसके अंदर आ जाएगा, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं।
ठीक, अब देखो शॉक्स जो है वो फ्रॉक के अंदर आ गया है, और फ्रॉक ओनली फ्रॉक सॉरी ओनली पैंट आर फ्रॉक, जब खाली पैंट जो है वो फ्रॉक है, यानी कि अब शॉर्ट का और फ्रॉक दोनों का रिलेशन किसी के संग नहीं होगा, ठीक है, दोनों का नहीं होगा अब। सम जैकेट्स आर पैंट्स और सम जैकेट्स आर पैंट, ठीक है। ऑल पैंट्स आर शॉर्ट्स, ऑल पैंट्स जो है वो शॉर्ट है, ऑल पैंट्स शॉर्ट नहीं है, ऑल शॉर्ट्स पैंट है यहाँ पे, ठीक। आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट फॉलो नहीं होगा। देन ऑल शॉर्ट्स बीइंग जैकेट इज अ पॉसिबिलिटी, कि ऑल शॉर्ट्स जो है क्या वो जैकेट हो सकती है, इज अ पॉसिबिलिटी। नो इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज सीधा सीधा गिवन है ओनली पैंट आर फ्रॉक्स, ठीक। तो ओनली पैंट जो है वो फ्रॉक्स हैं, और यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि 100% शॉर्ट जो है वो फ्रॉक्स है, यानी कि फ्रॉक्स का रिलेशन किसी और के साथ है नहीं, तो हमारा जैकेट के साथ भी नहीं होगा, तो सेकंड फॉलो नहीं होगा, ठीक। 0% फ्रॉक आर पैंट्स, यानी कि नन। ऑल शॉर्ट्स आर फ्रॉक्स, सो ऑल शॉर्ट्स आर फ्रॉक्स। अ फ्यू जैकेट्स आर पैंट, अ फ्यू मतलब सम, ठीक है। तो नॉट अ सिंगल पैंट इज अ शॉर्ट, इट मीन नो पैंट इज शॉर्ट, ओके। सो नो पैंट इज शॉर्ट, यस इट्स टू। अ गुड नंबर ऑफ जैकेट्स आर नॉट फ्रॉक्स, ठीक है, मतलब आपके कुछ सम जैकेट्स आर नॉट फ्रॉक, बेसिकली सम जैकेट्स आर नॉट फ्रॉक्स। तो सम जैकेट्स आर नॉट फ्रॉक्स, यस इट्स टू, बिकॉज यहाँ पर इसका जो ये वाला पार्ट है पैंट वाला, वो फ्रॉक का नहीं होगा, तो आपका सेकेंड भी फॉलो होगा, आंसर दोनों फॉलो हो जाएंगे। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।